दोस्तों, दुनिया में प्लास्टिक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम अगर प्लास्टिक का यूज ना भी करें तो भी जितने प्लास्टिक है इसे हम नष्ट नहीं कर सकते, और अगर हम इसे जला भी दे तो भी इससे एयर पोल्यूशन तो होगा ही, और फिर भी जलाने के बाद कुछ अंश फिर भी रह जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा मशरूम डिस्कवर किया है जो प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभो और स्वागत है आप सभी को BFH के एक नए रोमांचक वीडियो में। हमारे दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है और उसे साइंटिस्ट डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सालों से हमारे पृथ्वी में प्लास्टिक यूज होता आ रहा है, इसीलिए आज पूरा पृथ्वी में प्लास्टिक से भर रहा है। हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा मशरूम को डिस्कवर किया है जो प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इस मशरूम का नाम है स्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा। ये मशरूम प्लास्टिक का पॉलीयुरेथेन को खाकर जैविक पदार्थ में बदल देता है, और वो भी प्राकृतिक रूप से। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इसे प्लास्टिक के ऊपर पैदा किया जाए तो वो मशरूम को कुछ ही समय में प्लास्टिक को खाकर वहाँ जैविक पदार्थ जमा कर देगा, और उसे हम खाद के रूप में खेत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से ये प्लास्टिक को खत्म करने का काम बहुत अच्छे से करता है। साइंटिस्ट ने इस मशरूम को अमेजोन के जंगल से ढूंढा है, और उनका मानना यह है कि ये मशरूम ऐसी वायुमंडल पर भी रह सकता है जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो या ना भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का पॉलीयुरेथेन खाकर वो जैविक पदार्थ में कन्वर्ट करता है, और वहीं से ये ऑक्सीजन जितना जरूरत है वो कंज्यूम कर लेता है। ये मशरूम एक प्लास्टिक को लगभग 2 हफ्ते के अंदर जैविक पदार्थ में बदल देता है। इस मशरूम को हम खा भी सकते हैं। आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि ये मशरूम कैसे प्लास्टिक को खत्म करता है। तो दोस्तों, ये मशरूम माइक्रोमेडिएशन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो उस प्लास्टिक को जैविक पदार्थ में बदल देता है। इस तरीके से ये प्लास्टिक को खत्म करता है। ये डिस्कवरी सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि अब हम प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये डिस्कवरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के लिए।